Assalamu alaikum, students. Hope you are doing good. Welcome to your math lecture of class 9. Students, today we are going to discuss the exercise 2.5. Before going to solve this question, let us uh, understand the concept of complex numbers. Complex numbers. Students, complex numbers basically is the combination of real numbers and imaginary numbers. सो so, यहाँ पे आपके पास जो मैंने एक एग्जाम्पल दे दी ये इस फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर अब यहाँ पे ए जो है कोई भी रियल नंबर है ए इज़ कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ दी एनी नंबर एंड दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो आयोटा इज दिस ठीक है तो जिसमें आयोटा इन्वॉल्व होगा वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा जब ये दोनों पार्ट्स जिसमें रियल पार्ट भी इन्वॉल्व हो और इमेजिनरी पार्ट भी इन्वॉल्व हो तो इस कम्बिनेशन को हम कम्पलेक्स नंबर्स कहते हैं और इसमें यही अरेंजमेंट होनी चाहिए जब भी आप अरेंज करो नंबर को तो सबसे पहले रियल पार्ट आना चाहिए और दूसरे पार्ट में जो दूसरी टर्म होगी उसमें पहले आपके पास बी बी भी, भी, भी यहाँ पर जो है वो कोई रियल नंबर ही है बट उसके साथ आयोटा इन्वॉल्व है और आयोटा एंड पे आ, आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म ठीक है सो तो अब यहाँ पे ए और बी तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है रियल नंबर्स हैं ए एंड इज रियल नंबर्स ये जो आयोटा है ठीक है ये रियल नंबर्स नहीं है अगर आयोटा को हम देखें तो आयोटा बेसिकली आयोटा की वैल्यू क्या होती है तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि आयोटा को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस वन आएगा कैसे आएगा क्योंकि आयोटा आयोटा के साथ अगर मल्टीप्लाई हो डेट इज इक्वल टू आयोटा ठीक है इज सो जब भी आयोटा होगा वहां पे आपने माइनस वन वैल्यूज पुट करनी है आयोटा स्क्यर की रिप्लेसमेंट पे ठीक है सो स्टूडेंट्स अगर आयोटा स्केयर आयोटा स्केयर इक्वस टू माइनस वन सो आयोटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आप दोनों साइड्स पे क्या ले लोगे स्क्यर रूट लो ले स्क् रूट जो इस अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे सिंपल आयोटा रह जाएगा डेट इज इक्व टू माइनस अंडर रूट ऑफ वन ठीक है सो ये दो वैल्यूज जो है ये या आपने याद रखनी है आयोटा स्केयर इक्व टू तो माइनस वन एंड आयोटा इक्व टू तो अंडर रूट ऑफ माइनस वन इज इट क्लियर और जो कम्पलेक्स नंबर है इनकी अरेंजमेंट जो है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में मस्ट होनी चाहिए स्टूडेंट्स वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव इज ई वैल्यूएट ई वैल्यूएट करना है अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट है वो मेरे पास है आयोटा सेवन सो आयोटा सेवन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या करना है कि दो स्टेप्स फॉलो करने ठीक है सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो पावर है जो आयोटा की पावर है उसको इवन नंबर में आपने कन्वर्ट करना है ठीक है आयोटा की पावर को इवन नंबर में अगर हम यहाँ पे आयोटा सेवन को ब्रेक करें तो इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक आयोटा सिक्स कर लेती हूँ और एक आयोटा की पावर वन क्योंकि लास्ट टाइम वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि अगर बेसिस सेम है तो पावर से एड आप हो सकती हैं जैसे सिक्स प्लस वन इज़ आयोटा सेवन आ जाएगा ठीक है तो इसको मैं जो है वो इस तरह ब्रेक करके लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने कन्वर्ट करना है आयोटा की पावर जो है वो इवन नंबर में अब सिक्स यहाँ पे इवन है दूसरा स्टेप क्या करना है स्टूडेंट्स दो स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक ठीक होंगे जो दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे वो ये करेंगे कि आयोटा की जो पावर है उसको मैंने स्क्वेयर में कन्वर्ट करना है तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं अगर स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो सिक्स आ जाएगा तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पर थ्री करती हूँ ठीक है तो जैसे अगर मेरे पास अंदर सिक्स है तो अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि टू मुझे चाहिए आयोटा स्केर चाहिए तो टू कितने टाइम सिक्स आ रहा है थ्री टाइम ठीक है तो आयोटा स्केर अगर सिंपली मैं इसको लास्ट टाइम हमने ये चीज़ को पढ़ा था कि अगर ब्रैकेट के बाहर है जो हमारे पास उसका एक्सपोनेंट है और ब्रैकेट के अंदर है तो उसका क्या मतलब है कि उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है तो टू को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी थ्री के साथ सो आई गेट सिक्स ठीक है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ यहाँ पर एडजस्ट हो सकती है और आयोटा वन की पावर एज इट इज़ ओके अब इसका फ़ायदा क्या होगा क्योंकि मुझे चाहिए आयोटा स्केयर चाहिए था स्केयर में मैंने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू जो मेरे पास होती है डेट इज़ इक्वल्स टू माइनस वन ठीक है ये आपको याद रखनी पड़ेगी और पावर एज इट इज़ रहेगी और आयोटा की पावर यहाँ पे वन एज इट इज़ अब स्टूडेंट्स करना क्या है कि माइनस वन को हमने थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपने पावर्स को देखिएगा ये इवन है या ओड है यहाँ पे ये ओड है तो ओड के लिए अगेन आपके पास अगर आप माइनस वन को ये देखिए माइनस वन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा इंटू अगेन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करो करोगे तो प्लस माइनस माइनस सो आई गेट माइनस वन ठीक है सो माइनस वन अगेन यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन अगेन यहाँ पे आ जाएगा और आयोटा के पावर वन इज अगेन आयोटा सो so आयोटा को अगर माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सो आई गेट माइनस आयोटा दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके सो लेट्स पार्ट टू ऑफ दिस क्वेश्चन पार्ट टू इज आयोटा की पावर है फिफ्टी ठीक है सबसे पहले हमने क्या करना है कि आयोटा की पावर को इवन नंबर्स में कन्वर्ट करना है अब यहाँ पे ये देखिए कि आपके पास ये इवन नंबर है फिफ्टी जो है वो क्या टू पे डिवाइड हो सकता है टू टू जो वन नीचे जीरो टेस, जीरो भी नीचे आ जाएगा यहाँ पे माइनस कीजिए बन आ जाएगा और जीरो को मैं नीचे लेके आई तो टू फाइव टाइम इज़ टेन सो देखिए पूरा पूरा सॉल्व हो रहा इसका है इसका मतलब है फर्स्ट स्टेप यहाँ पे सॉल्व है नेक, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था कि एयोटा स्क्वेयर बनाना था ठीक है उसकी पावर को स्क्यर में कन्वर्ट करना था तो ऐसा कौन सा नंबर है ऑब्वियसली तो ये मैंने करके भी देख लिया ठीक है तो अगर टू को यानी कि टू को आप मल्टीप्लाई करोगे ट्वेंटी फाइव टाइम्स तो फिफ्टी आ जाएगा तो एयोटा स्क्वेयर बन गया यहाँ पर ठीक है अब एयोटा स्केयर की वैल्यू आपने क्या करनी है यहाँ पे पुट कर देनी है डेट इज इक्वल टू माइनस वन और अगेन पावर जो 25 है ट्वेंटी फाइव अब आपने ये देखना है कि ये जो पावर है ये इवन है या ओड है अगर इवन होगी तो माइनस वन प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ओड होगी तो माइनस वन ही रहेगा अब यहाँ पे ये जो पावर है ट्वेंटी फाइव डेट इज ऑड नंबर सो माइनस वन को अगर ट्वेंटी फाइव तक आप मल्टीप्लाई करो डैट इज इक्वल टू माइनस वन ओके दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आयोटा ट्वेल्व सो सबसे पहला स्टेप क्या था मैंने कि कन्वर्ट करना था आयोटा की पावर को इवन नंबर में यहाँ पे ट्वेल्व ऑलरेडी इवन नंबर है फिर आयोटा की पावर जो है वो स्क्वेयर में कन्वर्ट करनी थी अगर टू को आप मल्टीप्लाई करते हो सिक्स के साथ ठीक है तो ट्वेल्व बन जाता है सो so, आयोटा स्क्वेयर की रिप्लेसमेंट यहाँ पर माइनस के साथ पुट कर दोगे माइनस वन क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू माइनस वन ठीक है अगेन पावर जो सिक्स है अब यहाँ पर आप ये देखिए सिक्स इवन है या और है तो अब यहाँ पर जो सिक्स है मेरे पास डेट इज़ वन ठीक है तो माइनस वन को सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करोगे सो आई गेट वन सो यहां पे जो फाइनल रिजल्ट बनता है इक्वल ओके सो लेट्स क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ दिस पार्ट माइनस आयोटा माइनस आयोटा की पावर है एट ओके सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर आपने यहाँ पे सिंपल अगर आपको आयोटा आपने कन्वर्ट करना है इसको तो आयोटा को कन्वर्ट करने के लिए आप अगर माइनस वन को यहाँ से सेपरेटली ले कॉमन ले लेते हो ठीक है माइनस वन को अगर आप कॉमन ले, ले लेते हो तो यहाँ पे ऑब्वियसली आयोटा आ जाएगा ठीक है क्योंकि आप जब आयोटा के साथ माइनस वन को मल्टीप्लाई करोगे सो यू गेट माइनस आयोटा ठीक है और यहाँ पे भी ऑब्वियसली पावर इसकी भी एट है इसकी भी एट है ठीक है क्योंकि यहीं से आपने इसको क्योंकि आप देखिए आयोटा इंटू माइनस वन इक्वल्स टू माइनस हो ठीक है जो पावर्स होंगी दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी क्योंकि होल पावर है उसकी सो so, यहाँ पे देखिए माइनस वन को अगर एट टाइम्स एट यहाँ पे क्या है इवन है सो माइनस वन को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे एट टाइम्स सो यू गेट वन ओनली वन आ जाएगा और अगेन यहाँ पे आपने ये देखना था कि आयोटा की पावर नेक्स्ट स्टेप में इवन को कन्वर्ट करने के बाद स्क्वेयरिंग में उसको कन्वर्ट करना है तो आयोटा को अगर आप टू करते हो यहाँ पे और बाहर फोर करते हो तो टू फोर टाइम एट बन रहा है ठीक है यानी कि टू को अगर फोर टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो एट आ रहा है ठीक है सो मैन एज इट इज रहेगा आयोटा स्क्यर यहाँ पे माइनस वन पुट कर लीजिए फोर अगेन एज इट इज आ जाएगा वन ये एज इट इज है अब यहाँ पे इस पावर को देखिए इवन है या ऑड है ये इवन है तो इवन अगर नंबर होगा तो मैंने आपको क्या बताया कि साइन जो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस से प्लस में आ जाएगा सो so, यहाँ पे प्लस वन लिखिए लीजिए वन इंटू वन इज वन सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर फाइव ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस आयोटा की पावर है फाइव ठीक है सो so, सबसे पहले सेम अगेन वही पैटर्न कि आपने माइनस वन को अगर आप यहाँ पे सेपरेटली कर लें क्योंकि माइनस आयोटा आपको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और आयोटा यहाँ पे आ जाएगा और अगेन पावर जो है वो दोनों की ऑब्वियसली सेम यही रहेगी यहाँ पे माइनस वन की पावर जो देखिए फाइव है जो कि ओड है तो माइनस को अगर फाइव टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा और यहाँ पे अब आपने देखना है कि आयोटा की पावर फाइव है कोई ऐसा नंबर तो नहीं है कि एयोटा का स्केयर जो है वो अभी अंदर बन सके तो आप इसको क्या करोगे कि ब्रेक करोगे जैसे आप फोर अगर अलग कर लो आयोटा की पावर फोर आयोटा की वन जो है वो सेपरेट कर लो सो तो यहाँ से ये यह हो सकता है तो अब आप यहाँ पे देखिए कि आयोटा की पावर अगर मैं टू कन्वर्ट कर क्योंकि यहाँ पे देखिए इवन नंबर में हमने कन्वर्ट कर दिया उसके बाद आयोटा की पावर जो है वो टू यानी कि स्क्वायर बनानी है और बाहर भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि टू टू से मल्टीप्लाई करूंगी तो फोर बन जाएगा और आयोटा की पावर वन इज़ इक्वल्स टू आयोटा uh, ही होता है अब यहाँ पे माइनस वन ये एज इट इज रखिए और यहाँ पे जो है माइनस जो आपने इसका पुट कर दिया आयोटा स्केयर की वैल्यू डेट इज इक्वल टू माइनस वन और ऊपर है स्क्वेयर इसका और आयोटा ये एज इट इज अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स के आयोटा की आपने पावर जो है वो देखनी है कि इवन है या ऑड सो दिस इज इवन तो इवन का क्या होगा कि माइनस वन जो प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस वन एज इट इज आप लिखोगे ओके okay? और ये वन में आ जाएगा कन्वर्ट और दिस इज आयोटा सो so अगर आप वन को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस वन ही आएगा ठीक है और आयोटा अगेन दिस अब आयोटा का आपने माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करना है सो so आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इज माइनस आयोटा दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस पार्ट न पार्ट नंबर सिक्स ऑफ दिस पार्ट इज आयोटा ऑफ ट्वेंटी सेवन ठीक है सबसे पहले आपने इसको Uh, उसकी आयोटा की पावर जो है उसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर देना है सो so, आयोटा की पावर अगर सिक्स ट्वेंटी सिक्स में रखती हूँ और यहाँ पे आयोटा की पावर एक सेपरेट ली कर लेते हैं क्योंकि अगर आप इसको रीज्वाइन करोगे बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करके आयोटा ट्वेंटी सेवन ही बनता है ओके अब यहाँ पे आपने इवन में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद आपने स्क्वेयरिंग में लेके आना है आयोटा टू अगर टू को आप मल्टीप्लाई करो थर्टीन से आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो डिवाइड करके ईजी रहेगा सो टू क्योंकि टू ही आपको चाहिए तो टू से आपने डिवाइड करना है टू वन टाइम इज़ टू सिक्स नीचे टू थ्री टाइम एज सिक्स देखियो पूरा पूरा जो सॉल्व हो रहा है तो अगर आप टू को थर्टीन के साथ मल्टीप्लाई करोगे सो यू गेट ट्वेंटी सिक्स ठीक है और आयोटा की पावर वन एज इट इज रहेगा अब यहाँ पे आयोटा स्क्यर की जगह आप माइनस वन पुट कर दोगे बाहर पावर जो है एज इट इज रहेगी आयोटा की पावर अगर वन है तो सिंपल आयोटा ही आएगा यहाँ पर ये देखिए ये इवन है या ऑड है दिस इज ऑड तो ऑड में साइन चेंज नहीं होगा ये एज इट इज रहेगा और सिंपल आयोटा एज इट इज आप आगे लिखोगे सो माइनस वन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे आयोटा के साथ सो यू गेट माइनस वन ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस पार्ट बिफोर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू ऑफ दिस एक्सरसाइज लेटेस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैन गेट स्टूडेंट्स बेसिकली कंजुगेट इज वर्थ यू चेंज द साइन इन द मिडल ऑफ टू टर्म्स लाइक थ्री एक्स प्लस वन ठीक है आपके पास ये कोई भी एग्जाम्पल है ठीक है कोई भी एग्जाम्पल है तो कंजुगेट उसको कहते हैं कि कोई भी से भी दो टर्म्स हैं जैसे दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म तो आपने क्या करना है कि मिडल में जो साइन है जो ऑपरेटर यूज होता है आपने जस्ट उसका साइन चेंज कर देना है डेट इज कॉल्ड कंजुगेट सो थ्री एक्स एज इट इज़ अब यहाँ पे आपने ये प्लस है यहाँ पे आपने क्या कन्वर्ट कर दिया माइनस कर दिया और ये आपके पास जो है आप कह सकते हो कि ये आपने कंजुगेट लिया ऑफ दिस क्वेश्चन ओके जस्ट आपने साइन चेंज करना है okay? ओके लेकिन एक और चीज़ जो आपके पास मिडल साइन है आपने जस्ट वही चेंज करना है जैसे आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा ठीक है लेट सपोज थ्री प्लस फोर आयोटा ठीक है सो अब यहाँ पे जो आयोटा के साथ की वैल्यू होगी ऑब्वियसली वो मिडिल वैल्यू ही है तो आपने उसको चेंज कर देना है थ्री माइनस फोर आयोटा हो जाएगा दिस इज देंजुगेट दिस इज कॉल्ड केंजुगेट ठीक है सो लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वन इज टू प्लस थ्री आयोटा अब ये देखिए आपके पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ठीक है थीके? a भी रियल नंबर है इज़ टू और b भी रियल नंबर है इज़ थ्री और अगेन आयोटा दिस इज द कम्प्लेक्स फॉर्म ठीक है अब आपने इसको आपने सॉल्व करने के लिए जस्ट थोड़ा सा आपने रीअरेंज रे करना आप आप इसको इस तरह लेट कर लें लेट z इक्वल्स टू इसको कोई ना कोई नेम दे दें टू तो प्लस थ्री आयोटा और कंजुगेट के लिए एक साइन होता है ऊपर बार का साइन आ जाता है डेट इज कॉल्ड द सम सिंबल या साइन ऑफ कंजुगेट सो डेट जेड पॉर इज कॉल्ड द कंजुगेट साइन ठीक है सो टू अब अगर कंजुगेट ले रहे हैं तो टू माइनस थ्री आयोटा हो जाएगा ओके सो द नेक्स्ट पार्ट दिस इज द आंसर नेक्स्ट पार्ट जो है थ्री माइनस फाइव आयोटा सबसे पहले आप लिख लीजिए लेट जेड इक्व टू ठीक है जेड इज इक्वस टू जो क्वेश्चन है आपने जस्ट उसका नेम दे देना है फिर आप क्या ले रहे हो कंजुगेट ले रहे हो कंजुगेट लेने के लिए Z के ऊपर बाहर आ जाएगा तो थ्री प्लस अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये होता है साइन चेंजिंग नेक्स्ट पार्ट इज इज इंटरेस्टिंग दिस माइनस आयोटा अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि कम्पलेक्स फॉर्म ए प्लस बी आयोटा होती है ठीक है अब सिंपल आयोटा है तो आप ये इस चीज को ये कंसिडर कर सकते हो कि आप आपके पास जो है ए आप सपोज कर लेते हो जीरो प्लस बी यहाँ पे माइनस वन आप चलें इसको कंसीडर कर लीजिए माइनस वन और अगेन आयोटा ये तो इसको जीरो माइनस आयोटा हो सकता है ना तो आप स्टूडेंट्स क्योंकि आपको कंप्लेक्स फॉर्म में यही अरेंजमेंट रखनी है तो अगर आप ये अरेंजमेंट चाहते हो तो आपने जस्ट एक ही जगह जीरो पुट कर देना है क्योंकि जीरो ऐड करने से उस क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पा सो आप यहाँ पे लेट कर लो लेट जेड इक्वल्स टू जीरो प्लस माइनस आयोटा ओके सो so, जब आप कैंजुकेट लोगे जीरो जेड डैश विच इज़ इक्व टू जीरो अब पहले आपने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आयोटा तो अब आप जो है नेक्स्ट स्टेप में आपने कैंजुकेट लेना है नेक्स्ट स्टेप में आपने कैंजुकेट लेना है डेट इज जेड ऑफ आर इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा हो जाएगा सो जीरो प्लस आयोटा इज सिंपल आयोटा ही इसका बेसिकली जो आंसर है लेकिन आपने अगर कम्पलेक्स फॉर्म में लिखना है तो वो आंसर इस तरह से बनेगा ओके okay? अब यहाँ पे भी जो है वो रियल नंबर है डेट इज़ वन और जो जीरो है वो भी इज ऑल्सो कार्ड जो वो रियल नंबर है और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी इस so okay? okay? वजह से हमने ज़ीरो को पुट कर दिया है ओके फोर्थ पार्ट इज दिस माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा ओके सबसे पहले आपने क्या कर देना है लेट कर लेना है दिस इज जेड जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा अब दो साइंस इन्वॉल्व हैं कौन सा साइन चेंज होगा ओनली मिडल मिडल साइन ठीक है सो डेल जेड बार विच इज़ ऑल्सो कार्ड जेड कैन जुकेट माइनस थी एज इट इज रहेगा जो मिडल वैल्यू का साइन मिडल साइन है वो चेंज होगा प्लस था तो अब आपने इसको किस में कन्वर्ट कर देना है माइनस में सो माइनस फोर आयोटा दिस इज कॉल यू कैन ओके सो जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इसका डेट इज माइनस फोर माइनस आयोटा अगेन से वही कॉन्सेप्ट है लेट कर ले जेड इक्व टू आपने लेट कर लेना है जेड इक्व टू माइनस फोर माइनस आयोटा सो जेड कैन इज माइनस फोर प्लस आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा सो चेंज कर लिया हमने मिडल टर्म का साइन सम्बर सिक्स इज़ आयोटा माइनस थ्री अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम के ये क्या है बस ठीक है अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आयोटा पहले आ गया जबकि मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की अरेंजमेंट बताई हुई है पहले आपके पास रियल नंबर है अगेन रियल नंबर और साथ आयोटा आपको मिलता है ठीक है so, सो सबसे पहले आपने इसको रीअरेंज करना है सो माइनस थ्री यहाँ पर आ जाएगा और आयोटा के साथ प्लस है और प्लस आयोटा आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए कुछ भी रियल नंबर नहीं है तो वन है आप यहाँ पर वन कर सकते हो सो दिस इज ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया अब आप इसको आपने कर देना है कि लेट जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस आयोटा और जेड कैंजेट जब आप लेते हो सो दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस आयोटा दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस पार्ट नाउ लेट सॉल्व क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव हेयर वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन दो वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है अगर आपके पास गिवन हो एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन इक्वल टू फोर माइनस थ्री ये क्वेश्चन आपके पास किवन है अब आपने इसको सॉल्व करना है ठीक है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होगा कि ऑब्वियसली इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी ऑटा की फॉर्म है सबसे पहले तो ये अरेंजमेंट आपने लेके आनी है अब जैसे ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसमें क्या अरेंजमेंट है कि सबसे पहले रियल नंबर में लेके आऊँगी ठीक है और जो इमेजनरी पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट दिस इज एंड दिस इज रियल पार्ट सो इनको मैं कंबाइन करके लिख सकती हूँ एक्स प्लस वन दिस इज़ ए प्लस आयोटा वाई अब यहाँ पे आप आयोटा बाद में ठीक है यहाँ पे देखिए बाद में और वाई आप पहले लेके आ सकते हो ठीक है सो ये अरेंजमेंट हमने कंप्लेक्स फॉर्म में कर लिया और अगेन ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में कम्प्लेक्स फॉर्म में तो इसको हम टच नहीं करेंगे ये एज इट इज़ रहेगा ठीक है थीके? अब हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंपेयर करना है इमेजिनरी पार्ट्स को और रियल पार्ट्स को कंपेयर करना है अब यहाँ पे ये यह देखिए दिस इज रियल पार्ट एक्स प्लस यानी कि इमेजिनरी पार्ट वो होगा जिसके साथ आयोटा यहाँ पे ये यह इमेजिनरी है यहाँ पे ये यह इमेजिनरी है और जो बाकी रह जाएगा ऑब्वियसली वो रियल है तो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू यहाँ से मैं फोर को लेके आऊँगी ये मैंने कंपेयर कर लिया रियल फॉर्म को ठीक है रियल पार्ट को और यहाँ पे मेरे पास वाई है ठीक है और यहाँ पे मेरे पास क्या है माइनस थ्री है क्योंकि वाई के साथ देखिए आयोटा है और यहाँ माइनस थ्री के साथ क्या है आयोटा है सो so, ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया मैंने और ये मैंने रियल पार्ट को सेपरेट कर दिया है so, सो नेक्स्ट यहाँ पे एक्स की आप वैल्यू क्योंकि आप डिफाइंड करना है एक्स को और वाई को यहाँ से आप इजीली एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो फो यहाँ पे फोर के साथ एक्स के साथ वन प्लस हो रहा है यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ ऑब्वियसली ऑलरेडी जो है वो वाई की वैल्यू फाइंड आउट हुई है जो कि ऑटोमेटिकली सेपरेट होगी बाय सेपरेटिंग दी इमेजिनरी पार्ट इज अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप सॉल्व करते हो एक्स फोर माइनस इज थ्री ठीक है सो अब यहाँ पे आपके पास ये चीज निकल आई स्टूडेंट्स दिस इजुकेट All of these parts, and this is the question number four. I hope you understand this, students. Thank you for watching.